Now, Prime Minister Narendra Modi has assured citizens that everyone in the country will be inoculated once a vaccine for the highly infectious coronavirus becomes available. No one will be left behind, the Prime Minister said. Modi exceeded confidence on making the vaccine reach every person in India immediately. On logistics, more than 28,000 cold chain points will store and distribute COVID-19 vaccines to ensure they reach the last point. Dedicated teams at state, district and local levels will see to that the vaccine distribution and administration is done in a systematic and accountable manner, the Prime Minister said. He also informed that a digital platform was being prepared to enroll, track and reach the beneficiaries. बहुत है अज हूं साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान। अज हूं जोला बहुत है घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं, यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। दो गज की दूरी,
समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू झोला बहुत है, घर आवे तब जान।